दोस्तों बेटा कैसे हैं आप लोग तो वेलकम टू द चैनल और हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे आपको पता है कि हमने इस चैप्टर पे डिस्कशन बहुत पहले कर लिया था और आज से मैं इनके भी वीडियोज आपको बताते हुए आगे बढ़ने वाला हूं कि जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एग्जाम में बहुत बार आते भी हैं तो बहुत शांति से बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए हमें आगे बढ़ना है इसकी थेरी की हमने सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन दिस्क्रिप, में दे दी है यानी मैंने अब क्या किया है मैंने डिस्क्रिप्शन में यानी आप जब वीडियो देख रहे हैं तब डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिए और सारे की सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी जिसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन की भी लिंक हमने प्रोड्यूस की है तो उसको भी एक बार देख लीजिए वैसे मैंने आपको आज पूरा भरा भुरा भरा भुरा यहाँ पे बोर्ड दिया है बोर्ड पे पूरे फॉर्मूले जो हम आज लेने वाले हैं उस उनका डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले देखिए अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या कहा था इट इज अ मोशन समझ लीजिए दिस इज अवर मेन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन एंड दिस इज अवर सेकंड एक्सट्रीम पोजिशन तो ये थी हमारी टू एंड फ्रो मोशन अराउंड मेन पोजिशन और इस टू एंड फ्रो मोशन में बेटा एक फोर्स जो प्रोड्यूस होता थारिंग फोर्स और हमने यह कहा था दिस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारा माइनस एक्स अब एक्स क्या था एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन और माइनस क्यों आता था बिकॉज माइनस साइड इंडिकेट दैट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड तो बेटा हमें फॉर्मूला बना लिया था एफ इज बना था माइनस के एक्स याद है आपको कमेंट सेक्शन में आप हर एक एक होने के के बाद में एक बार हो गया लिख भेजिए, ताकि हम पहचान सके कि आपका ये सब हो चुका है that F is equals to minus of क्या हो गया, Kx. अब k, k, तो k फॉर्मूला बनाया था अब k के लिए हम यहीं पे एक फॉर्मूला प्रोड्यूस भी कर सकते थे दैट मैग्नेट्यूड ऑफ के कैन बी कैलकुलेटेड एज एफ बाय एक्स निकाल सकते हैं ना हम और K के लिए एक और सब्सिट्यूशन भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आए थे दैट वाज बाय इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अब ओमेगा वाज द एंगुलर वेलोसिटी अब इस पूरे चैप्टर की जो जान थी पूरा चैप्टर जो जहां पे स्टैंड हुआ था दैट वाज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्सर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अब ओमेगा स्क्वायर कहां से आया था दैट इट वॉज के बाय स्ड बाय ओमेगा स्क्वेर याद है डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला था आप में से बहुत लोगों ने मुझे इसका होमवर्क भी भेजा था तो ताकि मैं इसे समझ गया था कि आपको यहाँ पे ये याद है तो हमने क्या किया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क् वॉज द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का हमारे लिए फॉर्मूला आया था जो हम लिख सकते हैं बेटा यानी क्या आया था डिस्प्लेस एक्सेरेशन का फॉर्मूला हमारे लिए आया था एक्सेलरेशन वॉज कैलकुलेटेड एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अब माइनस का इंडिकेट करता है दैट साइंस आर अपोजिट और डायरेक्शन आर अपोजिट समझ में आ गया और मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की कब आती थी जब एक्स इज इक्वल्स टू हम स्मॉल ए की जगह जगह पे क्या लिखेंगे कैपिटल ए लिखेंगे दैट इट इंडिकेट्स अवर एम्पलीट्यूड समझ में आ गया दैट ए इज एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन यानी ओमेगा स्क्वेयर ए कहां पे है एक्सट्रीम पोजिशन पे है समझ में आ गया आपको तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा आया था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अब ए वॉज द एम्पलीट्यूड एक्स वॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन अब जब वेलॉसिटी मीन पोजिशन पे है तब वेलॉसिटी कैसी है मैक्सिमम है और फॉर्मूला हमारा आया था वे मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए आ गया और डिस्प्लेसमेंट का हमारा फॉर्मूला आया था एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन उमेगा टी प्लस अल्फा वेर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा टी प्लस अल्फा इज द फेज ये हमारे फॉर्मूला है बेटा जो हमारे आज के पूरे लेक्चर में हमें काम में आने वाले हैं हम इस पे न्यूमेरिकल्स क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं तो ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो शांति से देखिए आखिर में मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं वो मुझे सॉल्व करके भेजिए और पूरे शांति से देखना है आपने आगे बढ़ेंगे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शांति से न्यूमेरिकल देखेंगे कोई टेंशन नहीं लेना है सबसे पहले क्या है इन एसा यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज गिवन एज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स एक्स फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड अब देखिए हमें क्या दिया है हमें दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं दैट गिवन इज इक्वस टू डी स्क्वेर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स एक्स अब इससे हमें निकालना क्या है उसे देखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अब हम पहले सबसे पहले ये बात कह सकते हैं कि जब हम टाइम पीरियड निकाल नहीं निकालना है तो फ्रीक्वेंसी के वजह फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिख सकते हैं रेसी प्रोकोल ऑफ टाइम पीरियड तो कोई भी एक चीज अगर हमें पता चल गई तो हम इजीली दूसरी चीज क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कंसीडर कीजिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इससे ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग विच इज गिवन तो हम क्या करेंगे डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स एक्स मैंने इसे फिर से लिख लिया अब क्या करेंगे माइनस थर्टी सिक्स एक्स इधर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस थर्टी सिक्स एक्स इज टू क्या बन गया बेटा क्वेश्चन जीरो प्लस थर्टी सिक्स एक्स बन गए अब ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे देखिए कंपेयर विथ कंपेयर विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम अब क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क् प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अब इन दोनों में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी दोनों क्या है सेम है अब हम कंपेयर क्या करेंगे थर्टी सिक्स एक्स और ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी हम क्या लिख सकते हैं हियर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना बना थर्टी सिक्स बना गया ना कंपेरिजन में और ओमेगा स्क्र इज इक्वल्स टू अगर थर्टी सिक्स बना तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना बना है रूट ऑफ दैट इज ओमेगा की वैल्यू कितनी आई ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए क्या होगा रेडियन पर सेकंड आपको समझ में आ गया है? हमने क्या किया है ओमेगा इज इक्वल्स टू सिक्स कितना है सिक्स रेडियन पर सेकंड और अब इसे क्या करना क्या है हमें निकालनी क्या थी फ्रीक्वेंसी तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना बेटा ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं टू एन आ गया आप दिमाग में कि हम क्या करने वाले हैं ओमेगा इक्वल्स टू कितना आया टू एन एन इक्वल्स टू ओमेगा अब इसे तो इज़ीली हम सॉल्व कर सकते हैं अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है सिक्स सिक्स अपॉन सिक्स अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट वन फोर टू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिक्स अपॉन कितना है फोर एट टू 6.284 एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमेटर वो आ जाएगी आपकी नाइन यूनिट क्या आ जाएगा बेटा हर्डस आ जाएगा ये आ गई आपकी फ्रिक्वेंसी आ गया समझ में और फ्रीक्वेंसी के बाद में टाइम पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन अपॉन एन यानी t इज इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो पॉइंट नाइन फाइव टी इज इक्वल टू फिर से रेसिप्रोकल निकालना है यानी सीधे सीधे कैलकुलेशन हो जाएंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा वन पॉइंट जीरो फाइव इसका यूनिट क्या होगा हमारा सेकेंड होगा आ गया न्यूमेरिकल आपके ध्यान में तो इजीली न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा आगे बढ़ना है ये इजी न्यूमेरिकल था इसके आगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ गया ना तो इसके आगे चलते हैं बेटा अगला न्यूमेरिकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू के तौर पर भी आता है इससे इस इससे थोड़ा सा चेंज होता है बस हाफ की जगह वन थर्ड आएगा टेन की जगह फिफ्टीन आएगा लेकिन न्यूमेरिकल सेम स्टाइल में लिया लिया जाता है तो बहुत ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है और गिवन भी ज्यादा कुछ नहीं होता हमें निकालना पड़ता है तो क्या दिया है देखिए एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्म स्पीड अब न्यूमरिकल जब हम पढ़ते हैं तब हमें लाइट लग जाता है कि ऐसे ही न्यूमरिकल तो एमसीक्यू के तौर पर आते हैं कि एमसीक्यू में ऐसा ही कुछ पूछा जाता है कि मेन पोजिशन से कितने दूर उसका स्पीड मैक्सिमम से कितना हो जाता है हाफ हो जाता है हमें ऐसी डिस्प्लेसमेंट पूछिए यानी देखिए हम डायग्राम के नजरिए से जाएंगे सपोज हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट बी है और ये क्या है मीन पोजीशन है अब मीन पोजीशन से हमें क्या पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड यानी वी मैक्स समझ लीजिए एक मैक्सिमम स्पीड है और उससे कितना करना है हमें स्पीड हाफ करना है यानी वी मैक्स डिवाइडेड बाय कितना करना है टू करना है यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्स अपॉन टू दैट इज द वेलोसिटी और इस टाइम पे आपको पूछा गया बेटा व्हाट इज एक्स एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यानी ये आपकी कंडीशन बन गई कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन दैट विलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड अब ये तो बन गया अब गिवन में हमें क्या दिया है पाथ लेंथ दी है अब इसे बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा हमें दैट पाथ लेंथ कितनी है टेन सेंटीमीटर है अब व्हाट इज पाथ लेंथ तो हमें दिया बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है देखिए ए से बी तक की लेंथ दी है उसका सेंटीमीटर कितना है टेन हमें कौन सी चाहिए एम्प्लीट्यूड चाहिए फ्रॉम ओ टू ए तो कितना होगा एम्प्लीट्यूड विल बी एंड इट विल बी टेन बाय टू देट इज कितना सेंटीमीटर बन जाएगा फाइव सेंटीमीटर बन जाएगा सो so, ये सबसे बड़ी ट्रिक थी इसमें हमें क्या निकालना था बेटा एम्पलीट्यूड निकालना था अब एम्पलीट्यूड को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू यूनिट कितना बन गया मीटर आ गया तो अब अब हम क्या कर सकते हैं हमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन को यहां पर लिख लेंगे हम यहां से लेंगे v वेलोसिटी जहां पे v मैक्स का कैसा है आधा है आ गया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू विमैक्स कितना है बेटा ओमेगा आ गया अपॉन टू याद है अब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है ओमेगा है ये तो हमें पता होना चाहिए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्तर समझ लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो है क्योंकि जीरो यानी मीन पोजिशन पे वैल्यू कैसी होती है मैक्सिमम तो ये जीरो हो गया स्क्वेयर रूट क्या हो गया कैंसिल कितना बन गया ओमेगा इंटू ए दैट इज ओमेगा ये कौन सी स्पीड होगी मैक्सिमम स्पीड होगी अब इस कंडीशन पे हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है अब ये बहुत आसान हो गया हो गया आसान क्योंकि अब क्या करेंगे ओमेगा ओमेगा हम कैंसिल कर लेंगे बचा गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्ज इक्वल्स टू क्या बना ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो गया था तो क्या बचा था ए अपॉन क्या बचा टू बचा टेकिंग स्क्र टू बोथ साइड्स दोनों साइड्स का अगर हम क्या कर लेंगे स्क्वेयर कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा टू का स्क्वेयर कितना बन गया फोर बन गया दिख रहा है एक मिनट हां अब आ गया ए स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा फोर आ जाएगा अब देखिए बेटा हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं क्योंकि अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्र और ए स्क्वेयर बाय फोर एक साइड आ जाएंगे और एक्स स्क्र की हमें हमें एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं ये आपको वर्क दे रहा हूं मैं आज कि x की वैल्यू यहां से निकालिए क्योंकि क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा समझ में आ रहा है और ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या निकलेगा कॉमन और a की वैल्यू क्या सब्सट्यूट करनी है बेटा a की वैल्यू सब्सट्यूट करनी है फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू यूनिट क्या बन जाएगा अपना मीटर आ गया समझ में निकाल सकते हैं नहीं तो हम होमवर्क के बाद में निकाल के देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी जो आएगी आखिर में वो वैल्यू हमारी आएगी फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन रस टू पावर माइनस टू यूनिट क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा समझ में आ गया है? लेकिन कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें हमने इस कंडीशन के जरिए न्यूमेरिकल क्या करके कर देखा सॉल्व करके देखा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो कैलकुलेशन सीधा मल्टी सीधा कैलकुलेशन है कि जिससे हम एक्स्यू एक्स की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते हैं तो समझ में आ गया बेटा चमका तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर ऐसा न्यूमेरिकल होना चाहिए जो हम इजीली कैलकुलेट कर सके मैं एक और न्यूमेरिकल ऐसा लूंगा कि जो एमसीक्यू बेस्ड न्यूमेरिकल है जो जरा टफ न्यूमेरिकल है हमें सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बेटा उस तरफ जाते हैं बिल्कुल चलेंगे तो बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आया था एक बार मैं इसे आपको सॉल्व करके देता हूं ताकि आप समझ में ला सके कि कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है अब हमें दिया गया है देखिए अ अडल ऑफ स्विंग मशीन मूव अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड फोर सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड दी है तो हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर यानी फोर इन टू टेनरेज टू पावर माइनस टू मीटर स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन है जिसकी निडल ऊपर नीचे मूव हो रही है कंटिन्यूसली हमें निकालना गया है एंड फ्रीक्वेंसी दी है एन इज इक्वल्स टू कितना हर्ड है फाइव हर्ड्स है हमें निकालना क्या है देखिए एक्सेलरेशन वन पॉइंट वन अपॉन थर्टी सेकेंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मेन पोजिशन यानी हमें निकालना है एक्सेलरेशन बट कब वन अपॉन थर्टी सेकेंड आफ्टर इट क्रॉस्ड मीन पोजिशन यानी मीन पोजिशन क्रॉस करने के बाद कितना सेकंड के बाद निकालना है वन अपॉन थर्टी अब ये तो अलग ही टाइप का मेमोरी आ गया यानी हम इसे प्रोसेस नहीं कर सकते कभी कभी तो हम इसे प्रोसेस करके देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ सकता है तो हम सबसे पहले एन को यूज करके ओमेगा निकाल लेंगे क्योंकि ओमेगा हमें लगता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी के इक्वेशन में तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम टू पाएन और ओमेगा हमने लिख, लिख लिया टू मल्टीपाइड बाय पाए मल्टीप्लाइड बाय फाइव हो गया तो समझ लीजिए ओमेगा इज इक्वल्स टू टेन पाए रेडियन पर सेकंड पाई की वैल्यू आखिर में डाल देंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो एक ही बार करेंगे तो ओमेगा मिल गया हमें पाई रेडियन पर सेकंड अब हमें हमें क्या करना है हमें तो पहले फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि हमें करना क्या है एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हम एक्सिलेशन का फॉर्मूला देखिए हमने सोचा क्या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं बट ओमेगा स्क्वायर भी है हम डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है ही नहीं तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा नहीं हमें बेटा ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिस फॉर्मूला में टाइम है और एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टाइम है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो लगता है ए एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इससे हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अब कैसा करेंगे अल्फा यानी मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है यानी अल्फा क्या हो जाएगा जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन गया ए साइन ओमेगा टी हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे यानी क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीटीक्वल टू वेलोसिटी समझ में आ रहा है हम क्या रहे? कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डीएक्स अपॉन डीटी आ गया वेलोसिटी ओमेगा साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर बाहर निकलेगा तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये वैल्यू कौन सी बन गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू बन गई और हमें निकालना क्या था एक्सलरेशन इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं डीवी अपॉन डी टी आ गया डीवी अपॉन ए डीटी एक मिट्टी हाँ डीवी अपॉन डीटी दैट इज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ओबेगा फिर से बाहर निकलेगा का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन एबेगा स्क्वेर वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ओमेगा ये आ गई अब वैल्यू अब यानी एम्पलीट्यूड भी हमारे पास है बेटा ओमेगा टेन पाई भी है साइन ओमेगा फिर से है हमारे पास टेन पाई और टाइम कितना है वन अपॉन थर्टी तो ऐसा निकाला ना हमने मैंने ये फॉर्मूला यूज क्यों कर किया माइनस साइन क्यों आएगा बिकॉज दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड माइनस साइन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया देखिए एक्सेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी कभी कभी ऑप्शन में अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो कभी कभी माइनस साइन नहीं भी दिया तो मैग्नेट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन उतना मिल जाएगा और अगर हम डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं तो माइनस साइन तो हमें लिखना पड़ेगा कभी कभी ऑप्शन में माइनस साइन देख के हम डर भी जाते हैं इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ सिखाना शुरू किया है तो समझ में आ रहा है तो हम इजीली इसे निकाल सकते हैं अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है हमारे पास एम्पलीट्यूड इट इज फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाईगा स्क्वेयर यानी क्या हो गया टेन पाई इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर और अगली टर्म साइन ओमेगा को अच्छे से लिखेंगे साइन ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा की वैल्यू होगी टेन पाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है वन अपॉन थर्टी आ गया आप समझ में तो वन अपॉन थर्टी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन मल्टी मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो इसे हम रीअरेंज करेंगे फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू इंटू टेन पाए ब्रैकेट स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन पाए बाय थ्री क्यू पाए बाय थ्री अरे टेन फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू इंटू टेन पाई इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आपको बराबर लग रहा है मैं इसका होमवर्क देने वाला हूं कैलकुलेशन तो ये बन गया हमारा साइन सिक्सटी मैं आखिर तक निकाल के दूंगा ताकि आप इजीली इसे सॉल्व कर सके और आगे के न्यूमेरिकल हम बाद में पढ़ सके तो हम क्या करेंगे इसे देखिए ये आ गया फिर से वैसे ही फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू इंटू टेन पा ब्रैकेट का क्या आ जाएगा स्क्वेयर साइन सिक्सटी अब साइन सिक्सटी की वैल्यू कोई रूट थ्री बाय टू भी डाल सकता है और कोई लॉक टेबल में देख के वन पॉइंट सेवन थ्री टू भी लिख सकता है अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो गए इजी हो गए अब क्या करना है टेन पाए का स्क्वेयर टेन पाए यानी कितना टेन मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट टेन मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट वन फोर टू यानी क्या हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट फोर टू उसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर यानी दो बार लॉग देखना बेटा बस और इसे इजीली क्या करना कैलकुलेट कर लेना और मैं इसका आंसर भी लिख देता हूं कि एक्सरेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्सरेशन आपको आएगा ना कैलकुलेट करते आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी थर्टी फोर पॉइंट वन नाइन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर कैलकुलेशन तो बहुत आसान है प्रॉब्लम है हमें यहां पे समझना चाहिए कि हमें कि यह फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था टाइम नहीं था और टाइम नहीं होने की वजह से हमने एक्सेलरेशन को फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ये बेटा हमारी कौन डिसमेंट येमेंट दी इज अवर वेलोसिटी एंड अवर एक्सेलरेशन अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विध रिस्पेक्ट टू टाइम आ गई वेलोसिटी एंड वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम के आ गई एक्सेलरेशन तो एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें हमने बहुत सारे चेंजेस है yeah. आगे आपको समझ में तो मैंने आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए हैं इसमें ही कैलकुलेट करने के लिए आप वही सॉल्व कीजिए क्योंकि हम क्या करेंगे हम अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज फ्लूड मैकेनिक्स अब उसके साथ ही हम रोज शाम को कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देखते जाएंगे और जो मैं पूरे सॉल्व करके दूंगा क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल ऑसिलेशन का एक अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल होता है जिसे मैं ही सॉल्व करके दू तो अच्छा है तो आपको बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है आप कैलकुलेशन का पार्ट संभाल लीजिए मैं पूरा थियोरोटिकल डिस्क्रिप्शन का पार्ट संभाल लेता हूं तो समझ में आ गया बेटा आपको तो सॉल्व कीजिए मुझे भेजिए बिल्कुल मत से पढ़ते रहिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सबको भेजिए मैं पढ़ाता रहूंगा आप पढ़ते रहिए थैंक यू